बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जावेद हाशमी। आप देख रहे हैं उर्दू खबर। PSP के रहनुमा शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इमरान खान को कह दिया है कि मुतनाज़ा जो है मरदमशुमारी को दूर ना किया जाए, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जिस तरह अभी मुस्तफ़ा भाई ने कह दिया है कि इमरान खान को भी कि हमने आपको नाइल नहीं कहा, सिलेक्टेड नहीं कहा और मुतालबा किया, इसके ऊपर आप देखो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आपने खुद स्पीच सुनी और जितना आपने रिकॉर्ड भी की होगी, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। ये कराची के शहरियों का राइट है या उनका हक है कि कराची के शहरियों को कम गिना गया है। हमारा बड़ा मुतालबा नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई, हम कोई मुल्क तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम नया सुबह बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बदमनी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कराची के लोगों को सही गिना जाए, क्योंकि कराची में नहीं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पर आबाद हुए हैं और हो रहे हैं। कराची सिलसिला दारुल खिलाफा है और एक मुआशी हब इस मुल्क का, तो यकीन सबकी जिम्मेदारी, सब लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों को गिना नहीं जा रहा। अब बहुत से लोग यहाँ पर आकर सेटल हो गए हैं, उनके बच्चों ने डोमिसाइल यहाँ का बना लिया है, शनाख्ती कार्ड यहाँ कर बन गए हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ तो नाजरा खुद शो कर रहा है कि यहाँ पर 2.5 करोड़ तो शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं, तो फिर किस तरह 1.60 करोड़ ये जारी कर रहे हैं। तो ये मुतालबा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का मुतालबा है, ये मुतालबा पूरे शहरियों के लिए, इस कराची में ख्वाह कोई भी कौमियत के लोगों जो इसमें यहाँ पर आबाद हुए आकर किसी रंग और नस्ल से, वो सब इस कराची में रहना, कराची सब के लिए। अब उन्हें गिना क्यों नहीं जाना? जब उन्हें सही गिना जाएगा तो उनको सही हकूक भी मिल जाएंगे, फिर उनको पीने के पानी का भी मसला नहीं रहेगा, फिर उनको ट्रांसपोर्ट का भी मसला नहीं, क्योंकि फिर NFC अवार्ड फिर उसी तरीके से उनके हिसाब से दिया जाएगा। अब NFC जो शेयर दिया जा रहा है वो 1.60 करोड़ की आबादी के दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बदहाली शिकार है कराची। हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये मुतालबा पूरा हो जाए हमारा, ताकि फिर हमें कोई और स्टेप ना लेना पड़े। इससे पहले हमें उम्मीद है, क्योंकि आज अपील की है इमरान साहब से, कि इमरान खान साहब पहले भी यू टर्न लेते रहे, तो इस मरदमशुमारी के हवाले से एक और यू टर्न ले लें तो पिछले यू टर्न माफ़ कर दिए जाएंगे। मुस्तफ़ा भाई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो भी आज खुद नोटिस लें। MKM का जो है ना PTI का वफद वहाँ को पहुँचा है और उनसे बात हो गई है, उसके बारे में आप मेरे भाई ये सब मैं नहीं कहूँगा, ये देखो एक ड्रामेबाजी है ना, हुकूमत में मौजूद है MKM भी और हुकूमत PTI की तो हुकूमत खुद है, तो अब ये किससे मुतालबा कर रहे हैं, क्यों ये जा रहे हैं, ये सीधी सी एक जम्बिश कुल में कलम के अंदर ये ऐलान कर सकते हैं ना, इन वज़ीर आज़म की कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी है, रेंजर्स है, टीचर्स हैं, जिनके ज़रिए दोबारा से मरदमशुमारी कराई जा सकती है, ये जो कि मुतनाज़ा है, ठीक है ना। वरना पहले भी इन्होंने कहा था हम 5% ब्लॉक को हम दोबारा से स्क्रूटनी करेंगे, वो भी नहीं किया इन्होंने, और कैबिनेट फेडरल कैबिनेट में बैठेंगे इन्होंने ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने एक सरकारी मोहर लगा दी है। तो ये बड़ी ज़्यादती है कराची के शहरों के साथ, ये हक तलफी है, नासाफ़ी है। एक मरतबा फिर हमारी वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि खुदारा इस कराची के लोगों को सही गिन लिया जाए, जो कराची के लोगों का हक है। नहीं, हुकूमत से तो अलग होने का इन्होंने कह दिया था, अंदिया दे दिया था खालिद मकबूल ने, हुए तो नहीं ना, जब अंदिया दे देंगे तब की बात है ना। ये सिर्फ हुकूमत में रहते भी हैं और इस किस्म की बातें भी करते हैं, हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते MK वालों को, क्योंकि हमारे 33 साल उसी पार्टी में हमारे गुजरे हैं, ठीक है ना। तो कोई अंदिया ही देते हैं खाली, अगर हैं तो बाहर आ जाए हुकूमत से, 7 MNA ना इनके, ये आएंगे तो हुकूमत खुद ही धड़न तख्ता हो जाएगी, इसलिए कि हुकूमत की मज़े लेने हैं इनको, इनको हुकूमत के भी मज़े लेने हैं, इख्तियारात के भी मज़े लेने हैं, पावर के भी मज़े लेने हैं, प्रोटोकॉल के भी मज़े लेने हैं, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ऐसे सिंसर हैं कराची शहर से और कराची के लोगों से, तो हुकूमत से बाहर आ जाएँ और आकर, या फिर हुकूमत में रहते हुए मुतालबा करें इमरान खान से, ये करके कर लें ऐसा, तो हम भी इनके पीछे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे भाई। सर, जमात इस्लामी ने भी शुरू कर दिया है, उनका भी यही मुतालबा है कोटा सिस्टम और मरदमशुमारी पे, तो उनके साथ नहीं, हमारा अपना एक मौकफ़ है। हमने आज पूरे कराची की शहरियों से हमने अपील की थी, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मजहबी पार्टी से हों या सियासी पार्टी से, हमने सबसे अपील की थी। और सब, और मैं समझता हूँ शायद बहुत से न्यूट्रल किस्म के लोग आए हैं आज की रैली के अंदर, जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो इसीलिए आए कि मुस्तफ़ा कमाल की जो बात है उसमें वजन है, और मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ कराची के लिए ही बात कर रहे हैं। आपने सुना PSP के रहनुमा बता रहे थे कि मैं 30 साल से MKM को जानता हूँ, ये अलग तो नहीं हुए ना, इन्होंने कहा इनके 7 MNA अगर ये अलग हो जाएंगे तो एकदम से PTI गवर्नमेंट जो है का धड़न तख्ता हो जाएगा। कैमरामैन राजा समीर के साथ जावेद हाशमी, उर्दू खबरें, कराची।